सॉरी सॉरी, आप में से कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? जूम में या तो वीडियो में प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए। ओके शायद बहुत ज्यादा लोग मुझे पहले से नहीं जानते, कुछ आधे लोग तो जानते हैं। ओके आइए हम विषय स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। उस क्लिप में मेरा एक दोस्त है क्या जो करूँ रशिया से है, क्या और होल्ड ऑन, वो बहुत ज्यादा टाइम से संस्कृत नहीं पढ़ रहा है। अराउंड 9 और 10 ईयर्स उसको हुए होंगे इंडिया में। इंडिया में आया, हिंदी तो उसको कुछ आती नहीं थी, बट आने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ वो दिल्ली में रहने लगा। और दिल्ली में रहने के बाद उसने पता नहीं क्यों ऐसा सोचा कि आई वॉन्ट टू लर्न सम न्यू लैंग्वेज, और उसको कुछ सीखना है। और इसलिए वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और मुझे वो मिला था अगरतला में, जहाँ पर ऑल इंडिया संस्कृत नेशनल्स 2018 हो रहे थे। 2018 के जनवरी में ऑल इंडिया नेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ संस्कृत हो रहे थे, और वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, बहुत सारे। वो व्याकरण शलाका में पार्ट लेने आया था, एंड ही अटेंड द ब्रॉन्ज मेडल एट द नेशनल लेवल। और वहां पर अराउंड 18 स्टेट्स के अलग अलग लोग आए थे, बट उसमें उसने ब्रॉन्ज मेडल अटेंड किया, एंड देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा वीडियो मैं उसका दिखाना चाहता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड पे प्ले करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। अगर ईयरफोन्स हो तो आप ईयरफोन्स अटैच कीजिए, तो आपको वॉइस क्लियर आएगा। आई नो आप में से आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा वो संस्कृत में बोल रहा है, बट तो भी कोशिश करना कि आप लोग समझ सको। ठीक है, आइए। तर्हि अन्येपि संस्कृतविद्वांसः अत्र आगताः सन्ति, परन्तु ततः पूर्वम् अर्थात् अहम् आन्द्रे महोदयं निवेदयामि, तर्हि केचन प्रश्नाः अहम् इतः पृच्छामि, तर्हि ते तेषां संक्षेपेण एव उत्तराणि ददतु। तर्हि अद्यतनीये कार्यक्रमे भवतां समेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि, तथा च आगतानां सर्वेषामपि विदुषामपि विदुषीनां च स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमाय कुत्रचिदपि मङ्गलाचरणस्य आवश्यकता वर्तते। आम्, बहु सम्यक्। अस्तु, तर्हि सर्वप्रथमः प्रश्नः भवते अस्ति, नाम संस्कृतभाषायां भवतः सर्वप्रथमः दिनः कीदृशः आसीत्, कदा आसीत्, कथम् आसीत्, एतस्य एकं संक्षिप्तम् एव वर्णनं स्थापयतु। प्रथमः दिनं हा प्रथमं दिनं दिवसः दिवसः एतत्तु बहु पूर्वम् आसीत्, अतः सम्यक्तया अहं न स्मरामि, परन्तु प्रायः प्रथमं दिनं कथं जातम् इति तु वक्तुम् इदानीं न शक्यते, परन्तु मम प्रथमा शिक्षिका का आसीत् इति मीनाक्षी महोदय श्री हनुमान संस्कृत, अत्र तु संस्थानस्य एकः संस्कृतमहाविद्यालयः अस्ति, श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति, तत्र मम प्रथमा दीक्षा प्राचलत्, तत्र अहं संस्कृतं पठितवान्। अस्तु, तर्हि कदा भवान् कुर्वन्ति प्रतिदिनं न पठन्ति, अतः फलमपि नास्ति, अतः अस्माकं प्रयत्नः अतिविशिष्टः अस्ति, संस्कृतक्षेत्रे अपि अतिविशिष्टः, यतो हि व्याकरणं तु कठिनम् अस्ति, बहूनि सूत्राणि सन्ति, बहवः अपवादाः सन्ति, इदानीं तु केवलं प्रारम्भिकं संस्कृतम् अस्ति, परन्तु यदि भवान् अग्रे गच्छति तत्र बहवः, यथा मया पूर्वम् उक्तं, बहवः अपवादाः सन्ति, प्रयत्नः अपि च रुचिः, यदि रुचिः नास्ति तर्हि किमपि प्रायः न कर्तव्यं, रुचिं विना तु फलं न भवति, प्रयत्नं विना फलं न भवति, कुत्रचित् अस्माकं जीवने। एकः अन्तिमः प्रश्नः वर्तते, भवान् रूसदेशीयः,
तथा च अत्र आगत्य आंग्लं पठेत जर्मन पठेत परन्तु जर्मन भाषां पठेत परन्तु संस्कृतं अधीत्वा अत्र किमस्ति नाम काचिदपि किं किं प्रयोजनं संस्कृतेन किं फलं संस्कृतेन किमपि मिलति वा व्यर्थमेव कथं वयम् अधुना मॉडर्न संस्कृतिं अधुना तत्र प्रति गच्छामः अतः संस्कृत अध्ययनेन को लाभः स्यात् नाम व्यर्थम् एव इयं पौराणिका भाषा वर्तते अथवा कश्चित् लाभः अस्ति सर्वप्रथमम् अत्र वस्तुतः कानिचन न तु कानिचन बहूनि कारणानि सन्ति किमर्थं संस्कृतं पठनीयम् केचन जनाः सत्यं केचन जनाः वदन्ति अस्माकं तु योगे कोऽपि लाभः नास्ति केवलं मन्त्रेषु एव संस्कृतमस्ति परन्तु तत् सत्यं नास्ति अपि च पाश्चात्यः विद्वांसः तत् जानन्ति यतोहि संस्कृतम् इति वैज्ञानिकी अतिवैज्ञानिकी भाषा अस्ति अतः सङ्गणकक्षेत्रे सङ्गणक प्रोग्रामिङ्ग् संस्कृतेन किं वक्तव्यम् एकः शब्दः अस्ति तत्रापि प्रयोजनम् अस्ति इति प्रथमं कारणम् अस्ति अपि च एकमपि विशिष्टं कारणमस्ति किमर्थं संस्कृतं पठनीयं प्रायः सर्वे जनाः सर्वेषु देशेषु न केवलं भारतदेशे परन्तु इदानीं भारतदेशस्य विषयः अस्ति अतः अहं अस्मिन् विषये वदामि स्व इतिहासः ज्ञातव्याः सर्वेषां जनानां प्रायः यतोहि ये जनाः स्व इतिहासं न जानन्ति तेषां भविष्यत्वं न भविष्यति If you do not know your past, you won't be able to create your own future. अपि च यथा मया पूर्वम् उक्तम् अस्यां कक्षायां सर्वेषु व्याकरणेषु पाणिनेः एव व्याकरणम् अतिवैज्ञानिकं व्याकरणम् अस्ति उत्तमम् उत्कृष्टं व्याकरणम् अस्ति इति तु न तु भारत मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा बट कम से कम इतना तो समझ में आया होगा कि कोई बाहर के देश का इंसान जिसे हिंदी नहीं आती और कुछ टाइम में ही बस प्रैक्टिस के कारण से उसने दो पॉइंट अगर आपने सुने होंगे रुचि और अभ्यास दो वर्ड बोले थे अगर दो चीज होती है तो दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं और जब वो कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं मेरा बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है आप अपनी वीडियोज ऑन रखें तो मैं आप सबसे प्लीज वन टू वन कॉन्वर्स कर सकूं तो वो मेरे लिए भी इजी रहेगा तो जो भी है जहां से भी है मैं जानता हूँ थोड़ा तुरंत बात करना इजी नहीं होता है बट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम लोग बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करें आइए मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ मेरा नाम है मंथन शास्त्री मंथन गाला एज बिफोर और मैं सबसे पहले तो मुंबई का रहने वाला हूँ और कच्छ से बिलोंग करता हूँ आफ्टर माई 10th एजुकेशन आई वेंट टू जयपुर मैं जयपुर गया एंड ओवर देयर आई लर्न संस्कृत एंड फिलोसॉफी फॉर 5 ईयर्स आफ्टर दैट आई कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन संस्कृत लिटरेचर एट जयपुर ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस एंड राइट नाउ आई एम अ PhD रिसर्च स्टूडेंट ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी I have been representing Rajasthan for the last 3 years for the national competitions of Sanskrit all over India and have been still continuing to do that and I was the formal gold medalist of Sanskrit Sahitya Sambhashan Pratiyogita All India Nationals 2020 so this is my short introduction aur वंश विद्या लास्ट एक ईयर से चल रहा है जब से लॉकडाउन था आई वॉज वेरी फ्री एंड कुछ जो मुझे जानते थे उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था स्टार्ट करने के लिए और तब से ही वंश विद्या चल रहा है पर बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैंने एक बार सेमिनार रखने की डिसाइड किया और लगभग लास्ट ईयर से अब तक मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है एक महीने में 10 दिन 12 दिन में जितना भी निकाल सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालू और अब तक अराउंड 300 to 400 पीपल हैव लर्न्ड संस्कृत एंड जिसमें द लोएस्ट एज वाज 6 ईयर ओल्ड किड एंड द हाईएस्ट एज वाज 78 ईयर ओल्ड आंटी सो आपको कोई भी एज हो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आप इंस्टाग्राम पेज चेक करेंगे आप वहां पे देखेंगे कोई भी एज के होते हैं सभी एज के जो लोग हैं
थोड़ा सा टाइम लगता है, भले ही सब कुछ एक दो साल में नहीं आता, बट धीरे 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 यू स्टार्ट लर्निंग. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. एक नाम है जिससे जिसका हमें बस नाम पता है, और दूसरा हमें यह पता है कि बहुत पुराना है, और एक और चीज इसमें पता है कि बहुत हार्ड है, और उसका नाम है संस्कृत. जैसे ही संस्कृत कोई किसी को संस्कृत में बात करते हुए सुन लो. कल मैं मेरे सर से बात कर रहा था बाहर नासिक में, एंड देन एक भैया आकर के पूछा, अरे आपको संस्कृत आती है? तो सबसे पहले तो ये लगता है कि ये लैंग्वेज कितनी हार्ड है, आप बोलते कैसे हो. सेकेंड ये लगता है अरे ये तो बस शास्त्रों में है. थर्ड लगता है कि आजकल तो इसका कोई यूज होता ही नहीं होगा, आज पढ़ के क्या करे. और बहुत बहुत अगर संस्कृत के बाद कोई ऐसी लैंग्वेज का नाम आता है तो उसका नाम है प्राकृत. तो व्हाट वी थिंक इज कि इसका कुछ है या नहीं है. आइए कुछ आधे घंटे हम लोग बात करते हैं, एक बार इस भाषा से गुजरते हैं, इस भाषा में क्या है क्या नहीं है, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये हार्ड है, ईजी है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, आज के दिनों में रेलिवेंट है और इट इज नॉट रेलिवेंट. Let's just discuss it all over in the next 15 or 20 minutes right now. चलिए, so let's start. आप में से कितने लोग मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या हिंदी बोलते हैं घर पे, आप वीडियोस में या उसमें हाथ उठाएंगे? राइट, चलिए अर्चेश, हिंदी में राइटिंग को क्या बोलेंगे? लिखना. ओके, संस्कृत में बोलेंगे लेखनम. पढ़ने को क्या बोलेंगे? पठन्ति. नहीं, आप हिंदी में बोलिए, संस्कृत में मैं बोल देता हूँ. पढ़ना. संस्कृत में बोलते हैं पठनम. हाँ, अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो मैंने उसके डैश किए, मैंने भगवान के डैश किए, तो क्या बोलेंगे? दर्शन किए. संस्कृत में क्या बोलेंगे? दर्शनम. ऐसे ही अगर आपको बोला है कि You eat, मैं I eat, तो क्या बोलते हैं? मैं खाता हूँ. संस्कृत में बोलते हैं खादनम, खादामी. आप सोच पा रहे हैं कितने ज्यादा रिलेटिव्स हैं? आप में से कोई महाराष्ट्रियन है क्या? एनीवन जो मराठी जानता हो थोड़ा बहुत? कोई नहीं है क्या वीडियो में? ओके, मीता जी. ओके, निर्जरा भी है. चलिए एक वर्ड से देखते हैं. देखने के लिए आप क्या बोलते हैं कि कोई लड़का देख रहा है? दिस्ता. दिख रहा है वो देखने के लिए. दिस्ते. नहीं, पर्स एक वर्ड है. निर्जरा आप बता पाओगे? कोणी तरी माला देख रहा है. पाहत आहे. राइट, तो संस्कृत में बोलेंगे पश्यति. ऐसे ही अगर आपको कोई बोल रहा है कि कोई भाग रहा है ध से, तो आप क्या बोलेंगे? टुकड़े एक मुलगा धावते. धावत आहे. संस्कृत में बोलेंगे धावती. ठीक है, अच्छा, लेट्स थिंक अबाउट द रिलेशंस. चलो हिंदी में फॉरम जी, मम्मी को क्या बोलेंगे? Sorry? हिंदी में मम्मी को क्या बोलेंगे? माँ. और थोड़ा सा संस्कृत में बोलेंगे माता. हिंदी में बोलेंगे पापा को क्या बोलेंगे? थोड़े जनक बोल सकते, पिता बोल सकते. ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं हिंदी में जिसमें आपको कुछ नया नहीं करना है, वो ऑलरेडी संस्कृत में है. और यहाँ तक कि आप में से आधे लोगों के नाम दिव्य हो, दिव्या हो, अर्चेश हो, माया, भावेश, ये सब वर्ड संस्कृत में पहले से हैं. सो द थिंग इज कि मैं बस आपको दो वर्ड्स दिखा रहा हूं. एक आपने अगर इंटरव्यू ध्यान से सुना तो रशियन में दैट को बोलते हैं तौत. दिस इज रशियन लैंग्वेज विच ही ऑलरेडी क्लेम्ड. संस्कृत में बोलते हैं तत् एतत्. ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं. अगर आपको जानना है कि फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेट जैसे करते हैं ना, कि मुझे जानना है कि इस लोकल एरिया में बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है, कि इस एरिया में हम लोग
कौन कितने लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर्वे. एंड दिस इज नथिंग देन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्वेक्षण. द रियल वर्ड इज सर्वेक्षण, जिसमें से क्षण क्ष एंड ण हटा दो. सर्वेक्षण मतलब ध्यान से देखना हर चीज को, प्रॉपरली निरीक्षण करते हैं, जैसे सर्वेक्षण होता है, उसी के क्षण को निकाल करके इंग्लिश में वर्ड बन गया सर्वे. ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, मुझे बहुत एकदम टिप ऑफ द टंग मुझे याद है और वही मैं बोल पा रहा हूँ. पर ऐसी कितनी चीजें हैं जो ऑलरेडी संस्कृत इज, ऐसे ही नहीं बोला जाता, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कि संस्कृत इज नॉट वेरी हार्ड. इफ यू ऑलरेडी नो हिंदी, मराठी एंड इवन मे बी कन्नड़, आई डोंट नो कन्नड़ एंड तमिल, बट आई हैव सम रिव्यूज ऑन माई वीडियोज ऑफ यूट्यूब कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारे तमिल वर्ड्स भी ऐसे हैं जो संस्कृत में देखे जाते हैं. तो डेफिनेटली कन्नड़ में पानी को नीर बोलते हैं, राइट? इफ आई एम राइट, समबडी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. कन्नड़ में नीर बोलते हैं, राइट? तो नीर इज अगेन अ संस्कृत वर्ड. सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. विद्यालय को विद्यालय बोलते हैं, छात्र को छात्र, पुत्र को पुत्र, राइट? नेक्स्ट थिंग, सो द फर्स्ट पॉइंट इज संस्कृत इज रिलेटेड टू ऑल लैंग्वेजेस एंड अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस and it is very easy to create words in Sanskrit. Chaliye, okay, let's come on the second point, creating words and why is it logical. So English mein dog matlab hota hai kutta, hot dog matlab garam kutta to nahi hota hoga. Okay, price and surprise, is it related? No. So what price happens is Sanskrit mein, English and other languages, maybe not in Hindi, but in these languages, the formation of words cannot be exactly predicted and you can't predict meanings so easily. But Sanskrit mein aisa nahi hai. Sanskrit mein ek hi word ke aage piche upasarga vagare laga karke, when you form a lot of new words, so you already know ki what this meaning might be. फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि ज्ञान है, ज्ञा ज्ञा शब्द बोल दिया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. इसमें हम अलग 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 वर्ड्स लगा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज्ञा, तो आज्ञा में हमें पता चलता है कि आज्ञा दे रहा है. परिज्ञा, विज्ञा, सो इट इज ऑल रिलेटेड टू नॉलेज. So, जितने भी वर्ड्स में ज्ञा आएगा तो हमें पता चल जाएगा दैट दिस वर्ड इज रिलेटेड टू नॉलेज. ऐसे ही जितने भी वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स में अगर दृश्य आ रहा हो या दर्श आ रहा हो तो इट इज ऑल रिलेटेड टू देखना. सो वी ऑलरेडी नो संस्कृत में द वर्ड्स आर फॉर्म्ड विथ वेरी लॉजिकली, बहुत सोच समझ करके शब्दों की रचना होती है. तो हम लोग उनके डेराइवेशन से या फिर उनमें से किसी एक अक्षर को देख करके भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा. इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, राइट? सो द सेकंड पॉइंट इज कि इट इज वेरी लॉजिकली फॉर्म्ड. हर अक्षर को एक रूल के साथ रखा जाता है इन संस्कृत. सो इट इज सो लॉजिकल कि understanding and deriving a lot of meanings out of one word is very easy and it is very vast and very fast also. और चूंकि इतना fast है इसलिए लोग जानते गए जानते गए जानते गए and it has become such a wide language in the world कि लोग कहते हैं कि इसकी dictionary में words खत्म नहीं होने वाले. जितने भी words लिखे होते हैं उससे ज्यादा words एक और dictionary खड़ी हो जाएगी. करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों शब्द हैं इस भाषा के अंदर जो कभी अंत नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज सो लॉजिकल कि हम लोग धीरे धीरे एक वर्ड छोटा बनाया फिर और बड़ा वर्ड बनाया एंड यू कीप एडिंग द मीनिंग एंड यहाँ तक कि चार चार लाइन के एक वर्ड बनने लग जाते हैं व्हेन यू गो टू द अल्टीमेट लैंग्वेज लेवल. आप शास्त्रों को देखेंगे तो चार चार लाइन, पांच पांच लाइन के एक एक वर्ड मिलेंगे. आप में से बहुत सारे लोग जैन हैं मुझे लगता है और आप लोगों में से बहुत लोगों ने भक्तामर सुना होगा. उसकी पहली लाइन का वर्ड ही दो लाइन का है. वो पहला तो फर्स्ट लाइन है आई गेस, तो वो पूरा एक वर्ड है. भक्ता मरा प्रणत मौली मणि प्रभा, इतना पूरा एक वर्ड है.
सो व्हाट हैपेंस इज कि यू लॉजिकली कनेक्ट वर्ड्स, अक्षर कनेक्ट होते हैं, वर्ड्स कनेक्ट होते हैं, धीरे धीरे बहुत बड़ा बनता जा एंड उसका मीनिंग निकालना बहुत ईजी होता है, राइट? सो इट इज वेरी लॉजिकल. थर्ड, एक वर्ड और एक, जैसे आपको चार पांच मेन मेन डिराइव्ड वर्ड्स पता है संस्कृत में, तो आप उससे नए नए वर्ड्स आप खुद बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई विद समवन, दीक्षा. देखने वाले को बोलते हैं दर्शक, राइट? देखने वाले को क्या बोलते हैं? दर्शक. आई एडेड अक. ओके, लिखने वाले को क्या बोलते होंगे? लेखक. पढ़ने वाले को? पाठक. ठीक है, तो अक ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स अपने आप बना सकते हैं. ठीक है, अच्छा, लेट्स ट्राई सम अनदर टाइप ऑफ वर्ड्स आल्सो. ठीक है, हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है, मैं जिनकी बात कर रहा था, सबसे ज्यादा जो ये भूल जाती है पर हमेशा कोशिश करती है कि जितना हो सके वो बार बार सीखती जाती है, और ये फिर से लेवल वन किया, लेवल टू किया, लेवल थ्री किया, फिर से लेवल वन की क्लास में आ जाती है. तो द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक दिस कि वो कभी हार नहीं मानती. तो उर्मिला जी, कथमस्ति भवती, आपका माइक म्यूट है, इनको यहाँ तक कि माइक ऑन करने के लिए भी किसी और को बुलाना पड़ता है, बट टेकिंग ऑल द लोड्स एंड प्रेशर्स शी स्टिल कीप्स ऑन लर्निंग. भवती कथमस्ति उर्मिला महोदया? अहं कुशला अस्ति. एवं, किं करोति भवती अधुना? किमपि न करोमि अपि. अस्तु, चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, ठीक है? एक दूसरा वर्ड हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कोई चीज देखने लायक हो तो वो दर्शनीय बन जाती है, दर्शनीय. तो कोई चीज पढ़ने लायक हो तो पठनीय, पठनीय बन जाती है. अच्छा, गमन करने लायक हो, जाने लायक हो तो गमनीय बन जाएगा. कोई चीज वंदन करने लायक हो, नमस्कार करने लायक हो तो व्हाट इट बिकम्स? वंदन करने लायक कोई हो तो क्या बन जाएगा? वंदनीय. अच्छा, कोई चीज खाने लायक हो, खादन करने योग्य हो तो? चलिए, खादनीय बन जाएगा, भोजनीय बन जाएगा. तो ऐसे ही एक 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 वर्ड समझने से आप कितने सारे वर्ड्स बना सकते. अभी तो मैं तीन चार एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट जस्ट इमेजिन अगर आपको 50 वर्ड्स भी पता होते हैं तो लास्ट 10 मिनट में आपने बस दो टेक्निक सीख करके 200 शब्द बना दिए. इट इज सो फास्ट, इतने सारे वर्ड्स हम खुद क्रिएट करना चालू कर देते हैं. सो दिस लैंग्वेज इज रियली वेरी फास्ट टू लर्न. एक बार इसके लॉजिक समझ में आ जाए, हो सकता है लॉजिक्स एंड रूल्स समझने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, किसी किसी को 10 दिन में समझ में आता है, किसी को 1 साल में, किसी को 5 साल में, बट जिस दिन वो समझ में आ गए मन में, उसके बाद द स्पीड यू गेट इज रियली वेरी फास्ट. इसके अलावा दिस लैंग्वेज इज रियली वेरी हेल्पफुल एट इंटरनेशनल लेवल्स. आप लोगों ने सुना होगा संस्कृत की जो प्रोग्रामिंग्स है, दैट इज यूज्ड इन द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, इन द फॉरमोस्ट कंप्यूटर्स. नासा में भी एक अलग से जॉब रहता है, रिक्वायरमेंट ओनली फॉर द पीपल हु नो संस्कृत वेरी डीपली, जस्ट टू बिकॉज वो बहुत सारे मीनिंग्स जो होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजीज जो होती है, बहुत सारे चीजें जो उन लोगों को आज भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो पुराने शास्त्रों में छिपे हुए रहते हैं. ऐसा कहते हैं कि परमाणु बम के भी जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो भी है, जैसे वो डेवलप हुआ, उसके डेवलपमेंट में भी यहाँ तक कि शास्त्रों के फॉर्मूलाज को आधार में बना करके वो आगे बढ़े. तो नासा है, इसरो है, इन बड़े बड़े जगहों में संस्कृत को आज भी पोस्ट खाली रहती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. सेकेंड, वर्ल्ड वाइड अराउंड आई गेस जर्मनी, रशिया, इटली, इन सब जगह में हर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो फिलोसॉफी जहाँ जहाँ पर होती है वहाँ वहाँ पर वेद अध्ययन हो या ज्योतिष अध्ययन हो या जो इंडियन फिलोसॉफी सीखने के लिए जो पार्ट्स रहते हैं उन सब में उन लोगों को संस्कृत में पढ़ाया जाता है. दे डोंट नो हिंदी एंड मे बी दे डोंट नो इवन इंग्लिश,
बट वो लोग जर्मन जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं। यहाँ तक कि जर्मनी के बहुत सारे स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाया जाता है। बस इतना है कि हम लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है तो वी फील कि ये भाषा आज यूज होती होगी या नहीं होती होगी, बट इट इज रियली वेरी यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर्म्स। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि कितना फास्ट है इसको सीखना। चलो हमने बहुत सारे वर्ड्स तो सीख लिए, बट लेट्स ट्राई कि अगर हमें इतने वर्ड्स आते हो, हमें मान लेते हैं हमें 100 शब्द पता है, ठीक है, तो लेट्स ट्राई। एक वर्ड मैं बोलता हूँ, आप सभी ने बचपन से जिसने संस्कृत सीखा होगा उन सबको एक वर्ड पता होगा, रामः, राइट। सो रामः, तो राम को विसर्ग लगाते ही इट इज ऑलरेडी अ संस्कृत वर्ड रामः। सो हमें राम जैसे बहुत सारे वर्ड्स पता हो सकते हैं, भावेश है, राम है, इन एंडिंग विथ अ साउंड, मंथन, अर्चेश, देवांग, देव, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो दिलीप, मैं इनमें से नाम कोशिश करता हूँ, भावेश, सुरेश, अभिषेक, तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो अ से एंड होते हैं। सो लेट्स ट्राई, आई विल जस्ट से 3 वर्ड्स। सो मंथन, मंथनऊ, मंथनाह, अह, औ एंड आह, मंथन, मंथनऊ एंड मंथनाह। ओके, दिव्या आप बताओगी तीनों क्या क्या हुए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो शायद। रूप बताने दे भैया, बस इतना ही बोल दो, और मंथन इतना ही रिपीट कर। चलो मंथन की तरह ही आप सुरेश बोल दो, सुरेश, मंथन, 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 ऐसे ही सुरेश, सुरेश। ओके, वेरी नाइस। चलिए अर्चेश, ऐसे ही महावीर का क्या बनेगा, महावीर, 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 महावीर। ऐसे ही मान लो निर्जरा, शिक्षक, 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 शिक्षक। ऐसे कम से कम 100 नाम तो आप लोगों को पता ही होंगे, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, दर्शक, मंथन, सुरेश, आपके फ्रेंड लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट में 100 नाम ऐसे होंगे। इसका मतलब लास्ट 1 मिनट के अंदर आप एक वर्ड के 3 रूप देखे संस्कृत में, तो आप लगभग संस्कृत के 300 शब्द सीख चुके हो। तो जब 10 मिनट या 15 मिनट में हम 300 से 500 शब्द सीख चुके हैं, तो आप सोचिए 1 घंटे में कितने होंगे, लगभग 2000 शब्द। और अगर आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो आप लगभग 20,000 शब्दों को सीख सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। और आप 20,000 वर्ड्स इंग्लिश में कब सीखोगे बेटा, ऋतु जैन, आप कब सीखेंगी 20,000 शब्द? अगर आपको इंग्लिश में सीखने हो तो कोई पूछे कि आपको कितना टाइम लगेगा तो आप क्या कहेंगी? काफी टाइम लगेगा। यहाँ पर संस्कृत कह रहा है कि आपको 20,000 शब्द सीखने के लिए बस 10 घंटे की जरूरत है। वो अलग बात है कि वो लॉजिक हम कितने देर में समझ पाएंगे, पर धीरे धीरे हम जैसे सीखेंगे इसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाती है। This language is really very fast. And the last point which I want to conclude over here, मैं बहुत ज़्यादा time आप सबका नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ lockdown का time ऐसा होता है कि बहुत free होते हैं, अचानक अब बहुत सारे काम आ जाते हैं सभी लोगों को, तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा time नहीं लूँगा। बच्चों को आज का day off रहेगा तो हो सकता है खेलने का time होगा, तो मैं आप सबका ज़्यादा time नहीं लूँगा। Last 5 minutes, संस्कृत का tongue twisting. When you speak a language which is used with each part of the mouth, यहाँ से होठों से लेकर के, होंट है, दांत है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है, फिर इनके मिक्सचर्स है, कोई कंठ तालु है, कोई होठ और दंत्य है, तो ये माउथ के हर एक एरिया को आप यूज करते हो। What happens is, आप में से कितने लोगों ने एक्यूप्रेशर सुना है, सुना है, राइट? What happens is कि आप यहाँ पर अंगूठे में दबाते हो और सिरदर्द खत्म हो जाता है,
यहाँ पर इस फिंगर में दबाते हो पैर का दर्द खत्म हो जाता है. व्हाई व्हाट हैपेंस इज क्या होता है कि आपकी नर्व्स है वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता जाता है. एंड व्हेन यू स्पीक अ लैंग्वेज जिसमें आपके माउथ के सभी पार्ट्स यूज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो ऑटोमेटिकली इट गोज वेरी गुड. तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी होती है. सेकेंड उसी की वजह से आपका माइंड भी उतना ही शांत रहता है क्योंकि वो आप जो भी है उसका साइकोलॉजिकल या जो भी टेक्निकल रीजन रहेगा साइंटिफिक रीजन रहेगा बट आपका मन बहुत शांत होता है. थर्ड संस्कृत सीखने में आप इतने लॉजिकल और इतने गहरे जाते जाते हो यू अंडरस्टैंड कि देयर इज नॉट ओनली वन आंसर इसके पांच अर्थ हो सकते हैं. होता क्या है सामने वाले ने कुछ कहा मैंने कुछ मीनिंग ले लिया हमने झगड़ा कर दिया बात खत्म. वी डोंट इवन थिंक कि इसका और कुछ भी मीनिंग होगा या नहीं होगा. वी डोंट थिंक वेरी मच. बट आप जब इतना सोचने के लिए रेडी हो चुके हो कि बहुत सारे मीनिंग्स निकालने की आदत कर चुके हो तो यू ऑलरेडी लीव दैट पार्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम योर लाइफ. हम लोग सामने वाले को पहले से इंटरप्रेट नहीं करते. बहुत सारे साइड प्रॉफिट्स हैं मैं उन सबको नहीं गिनाना चाहता. धीरे धीरे जब शास्त्र पढ़ने लगेंगे शास्त्र से हमें जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज एक्सट्रीमली अनकाउंटेबल. बिकॉज आज के दिन में लोगों को मे बी पैसा चाहिए होगा बट द रियल थिंग व्हाट पीपल नीड इज शांति. अमीर से अमीर इंसान हो गरीब से गरीब इंसान हो किसी के घर में आजकल शांति नहीं है. पीपल आर सो स्ट्रेस्ड आउट हर चीज की वजह से. हर छोटी चीज में झगड़े हो जाते हैं. बच्चों में पेशेंस लेवल जीरो हो चुका है. इन सब चीजों के लिए अगर आई एम डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत भी दिन के 10 मिनट का भी शास्त्र अगर घर में आ जाएगा तो आपके पास 10 रुपए हो गए तो भी आप खुश होगे. आपके पास 1,00,000 रुपए होंगे तो भी खुश होगे. और आपके पास 1,00,00,000 रुपए होंगे तो भी आप खुश होगे. बट अगर घर में शांति नहीं है पेशेंस नहीं है मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है जल्दी जवाब देने की कैपेसिटी और मन में ज्यादा प्रेशर लेने की कैपेसिटी नहीं है. क्योंकि संस्कृत में क्या बहुत सारे श्लोक और बड़े बड़े वर्ड्स और इतने बड़े चार चार लाइन के वर्ड्स होते हैं कि आप चौथी लाइन बोलते बोलते भूल जाओगे पहली लाइन में क्या था. तो जब माथा जब इतना हैवी लोड सहन करता है तो आपको बाकी प्रेशर्स भी और बाकी स्ट्रेस भी बहुत इजीली हैंडल होते हैं जो नॉर्मली अन्य किसी इंसान से होते नहीं है. सो हजारों प्रॉफिट है इस लैंग्वेज के और दिस लैंग्वेज इज रियली वेरी वंडरफुल. बट द लास्ट मेन पॉइंट पार्ट इज शांति इन द लाइफ. अगर वो रहेगी तो सब कुछ बढ़िया है. अगर जीवन में शांति नहीं है शास्त्रों का आधार नहीं है जो रियल इंडियन गोल्ड है हमारे पास इज द रियल इंडियन शास्त्र एंड द थिंकिंग्स एंड द ग्रेट थॉट्स बाय द ओल्ड प्रीचर्स ऑफ आर लैंड. अगर वो नहीं है तो आपके पास करोड़ों पैसे भी क्यों नहीं हो जीवन में शांति नहीं होगी. यू विल स्टिल डू स्कैम्स इवन आफ्टर हैविंग क्रोर्स ऑफ रुपीज. आप शांत नहीं बैठोगे. आप एक दूसरे को हराने की कोशिश करोगे. आज कितने भी ऊंचा चले जाओ अगर आप महाराष्ट्र के सबसे बड़े अमीर इंसान हो तो आप सोचोगे मैं इंडिया का बन जाऊं. यू विल नेवर बी सैटिस्फाइड एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ. अगर घर परिवार ठीक है तो आप सोचोगे मामा काका अच्छे हो जाए. मामा काका घर परिवार अच्छे तो आप सोचोगे नेबरहुड वाले बुरे हैं. नेबरहुड वाले भी अच्छे होंगे तो आप सोचेंगे कि ये पॉलिटिक्स वाले बुरे हैं. आप फ्री में दुखी होते जाओगे. कुछ लोग तो पता नहीं किसी के घर में जाते हैं बढ़िया है सब कुछ पर पता नहीं इनके घर का कलर अच्छा नहीं लगा बेकार में परेशान हो गए. फ्री के दुखी होते हैं. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई एम नॉट पॉइंटिंग ईच एंड एवरीथिंग. और मैं सब कुछ तो नहीं सिखाने वाला हूँ बट धीरे धीरे मैं आई जस्ट गाइड यू टू द लैंग्वेज एंड जैसे जैसे आप उसमें अपने आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. एट द लास्ट आवर सेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ जून. जो फर्स्ट बैच लेवल 1 का रहेगा उनके टाइमिंग्स रहेंगे मॉर्निंग 9 to 10. और मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों के उस टाइम पे काम भी हो सकते हैं बहुत सारी चीजें हो सकती है. सो हमारी रिकॉर्डिंग्स ऑल टाइम अवेलेबल रहेगी जस्ट आफ्टर द सेशंस. एंड तो भी यू आर नॉट अलाउड टू स्किप योर क्लासेस. आप रेगुलर अटेंड करेंगे तो ये आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराई जाएंगी. जस्ट होल्ड अ सेकेंड माई बैटरी इज लो. Yeah, because 9 to 10 will be very difficult for quite a few people. Yes, I actually was thinking about a lot of times all over the day. But just according to what schedule I am possible with. So we can individually do it. Yes, you can definitely listen to the recordings as well.
एंड यू कैन ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल अटेंड करना है एंड हो सकता है कि अगर दूसरा कभी कोई बैच पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा बिकॉज आई एम रियली वेरी बिजी टिल 8 PM और 8:30 PM एंड देन उसके बाद में जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाने जाते हैं तो वो लोड ले नहीं पाते हैं दे आर नॉट वेरी फ्रेश एट दैट टाइम सो हम कोशिश करेंगे या तो अगर पॉसिबल होगा तो हम 8:30 भी कर लेंगे सो अराउंड 8:30 और 9 मॉर्निंग का बैच होगा हमारे 10 सेशंस होंगे और ईच सेशन विल बी ऑफ 60 मिनट्स ईच एंड फीस विल बी 400 rupees पर पर्सन एंड फॉर द होल कोर्स एंड लास्ट में आपके एग्जाम्स भी होंगे एंड लेवल 2 और लेवल 3 का जो कोर्स रहेगा वो आपको आगे अपडेट भी कर दिया जाएगा लेवल 1 में बेसिक्स वील जस्ट मेक श्योर कि हम लोग एकदम बेसिक वर्ड्स वगैरह सीखे एंड थोड़े थोड़े सेंटेंसेस एटलीस्ट ऑफ 4 or 5 words 4-5 words के हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम कंपैटिबल हो जाए और थोड़ा बहुत हम लोगों को थोड़ा बहुत जो भी है बातचीत करने आ जाए एक दूसरे से तो इतनी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे फिर धीरे धीरे जब लेवल 2 में जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे एंड मोर ऑफ थियोरी ओवर देयर एंड लेवल 1 में ज्यादा प्रैक्टिकल होता है जो लोग लेवल 1 ऑलरेडी कर चुके हैं जो लेवल 2 में जाना चाहते हैं आपके लेवल 2 के बैचेस डेफिनेटली बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे मैं ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज अभी लास्ट लेवल 2 के पार्ट 2 और लेवल 3 के पार्ट 2 भी बाकी है तो फॉर नाउ अभी लेवल 1 के रजिस्ट्रेशंस विल बी ओपन एंड रजिस्ट्रेशंस विल बी ओपन फ्रॉम टुमारो तो उसका क्या प्रोसेस है क्या है एंड एवरीथिंग विल बी पुट ऑन द ग्रुप एज वेल तो आप लोग ध्यान रखें आप लोग ग्रुप से कनेक्टेड रहिए देयर आर 2 ग्रुप्स वंस विद देयर रजिस्ट्रेशंस एंड वंस विद देयर इन्फॉर्मेशन सो एनी ऑफ द ग्रुप आप किसी भी ग्रुप पे रहो या तो आप इंस्टाग्राम पे रखें या मुझे पर्सनली टच में भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में से कभी भी किसी को कोई भी नीड हो हेल्प चाहिए आप कहीं पे आपको कुछ भी डाउट लगता हो कि सीखना है कि नहीं सीखना तो जस्ट गिव इट अ ट्राई जस्ट गेट ऑन टू द फ्लो एक बार कोशिश करिए एंड आप मुझे कभी भी बात भी कर सकते हैं बट प्लीज टेक्स्ट मी बिफोर कॉलिंग एंड यहीं पे आई गेस इफ एनी क्वेश्चंस यू एनीवन वांट्स टू आस्क प्लीज ओके पॉसिबली किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है और जिन लोगों ने भी कुछ सेशन की बातों को आगे पीछे मिस किया है दे कैन प्लीज ज्वाइन इन ऑन यूट्यूब दिस रिकॉर्डिंग विल बी सेव्ड ओवर देयर हाँ जी प्रेम लता जी आप कुछ कहना चाहते हैं आप अनम्यूट कीजिए अपने आपको आपका माइक म्यूट है आपको अनम्यूट करना है ये कोर्स करने में कितना महीना लग जाएगा ये जो कोर्स है ये 10 दिन का कोर्स है और ये लगातार रेगुलर 10 दिन चलेगा और संडे को बस ऑफ रहेगा संडे को ऑफ रहेगा और बाकी लगातार 10 दिन रहेगा और कुछ दिन बाद उसकी एग्जाम होगी अराउंड 4-5 दिन के अंदर अंदर आपकी एग्जाम्स होगी तुरंत और ओरल एग्जाम्स ही होती है एंड देन आप कैसे बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे उसके ऊपर आगे आपको लीड किया जाएगा ऐसे okay. तो अभी लगातार 10 दिन का कोर्स है क्योंकि मैं बहुत टाइम मैं अपने आप को फ्री नहीं कर पाता हूँ तो 10-10 दिन जैसे ही मुझे मिलते हैं तो मैं कोर्स सेटअप करता हूँ तो वील स्टार्ट फ्रॉम 21 जून एंड कंटिन्यूसली फॉर 10 डेज एक्सेप्ट संडेज संडेज को स्किप करके हम लोग पढ़ेंगे और ये प्राकृत जैसा है सर प्राकृत जैसा है पर प्राकृत नहीं है प्राकृत से अलग है प्राकृत से बड़ी भाषा है और बहुत सिमिलर है आपको अगर प्राकृत तो आपको यूजफुल हाँ प्राकृत सीखा हुआ लेकिन वो बहुत हार्ड लग रहा है इसलिए पूछ रही हूँ जैसा हार्ड तो नहीं है ना क्योंकि क्या है प्राकृत के वर्ड्स जल्दी कनेक्ट होने में टाइम लगते हैं बट संस्कृत के वर्ड्स बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आपको हार्ड नहीं लगेगा ओके सर थैंक यू सर किसी और को कोई क्वेश्चन आई गेस आप में से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है अगर हो तो भी ओके यस कोमल शाह सॉरी Sir, are you going to provide the notes and everything, sir? Yes, you don't have to note anything. आपको कुछ भी note नहीं करना है, because everything will be on the screen only. Level 2 से मैं आप लोगों को थोड़ी मेहनत कराऊंगा. Level 1 will be very easy. आपको ज्यादा note नहीं करना है.
डेफिनेटली आपको होमवर्क्स होंगे, होमवर्क्स में आपको थोड़ी मेहनत करनी है, 10 दिन बस आपको मुझे देने हैं. सो एवरीथिंग विल बी ऑन पीपीटीज एंड एवरीथिंग, तो आपको वो प्रोवाइड हो जाएगी. देवम शाह. हेलो. हाँ देवम. एक बैच में कितने जन अलाउड है? एक बैच में अराउंड 35 to 40 इज द हाईएस्ट लिमिट, एंड आई ट्राई कि 20-22 होते हैं तो आई ट्राई स्टॉपिंग, तो अराउंड जो भी रहेंगे 20 से 40 के बीच में ही रहेंगे, उससे ज्यादा कम नहीं. ओके ओके थैंक यू. स्नेहल जी. सर मुझे ये पूछना था कि डेली सर टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 9 से 10 अभी स्टार्ट कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग्स भी सेव्ड रहेंगी, बट आपको कोशिश करना है कि आप लाइव ही अटेंड करो, क्योंकि उसी का फायदा है, रिकॉर्डिंग का इतना फायदा नहीं होता है. मॉर्निंग डेली 9 to 10, ओनली संडेज ऑफ. ओके थैंक यू सर. संडेज ऑफ. यस यस संडेज ऑफ. ओके सर. ओके कोमल जी, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? सो देयर आर एक्चुअली टोटल 3 लेवल्स आज तक कंप्लीट हो चुके हैं, एंड लेवल 4 विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेरी सून, जस्ट इन द नेक्स्ट मंथ. अभी तक लेवल 4 है, एंड विच टेक्स अराउंड 6 मंथ्स टू कंटिन्यू. जैसे लेवल 2 में आपके डेज भी बढ़ेंगे और टाइम भी बढ़ेगा, तो वैसे जैसे बढ़ेगा. चलिए, मीटिंग का पासवर्ड विल बी 1008. मिला जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? उर्मिला जी, कुछ पूछना है? आपका माइक म्यूट है, म्यूट है आपका माइक. हाँ हाँ फिर से बंद हो गया. हाँ बोलिए बोलिए. लेवल 3 के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ मैं? पूछ लीजिए. सब अभी 2 सेशन बाकी है, तो डेट तो नहीं आपने बताई ना? हाँ हाँ, लेवल 2 और लेवल 3 के जो पार्ट 2 है उनका मैं आज शाम तक नोटिस भेज दूंगा सारे, तो आपके जो आगे के कंटिन्यू होंगे वो अभी कंटिन्यू हो जाएंगे, उनकी डेट और टाइम मैं सब आपको फिर से अपडेट कर दूंगा. ओके थैंक यू सर. शांति मंत्र होता है, तो कोई भी कार्यक्रम का अंतिम मंगल से हम लोग शांति मंत्र से एंड करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हाथ जोड़ लीजिए. कुछ इश्यूज हो सकता है कभी कभी, क्योंकि मीटिंग्स क्लैश होती है कभी कभी, बट 1008 इज द पासवर्ड, एंड आगे अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो आई विल जस्ट लेट यू नो, आप एक बार आपको फिर से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अभी 1008 इज द पासवर्ड. चलिए अभी हम एंड करते हैं यहाँ पर, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्. सभी को नमस्ते और धन्यवाद. थैंक यू सो मच, आप सभी आए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. आप जल्दी ही इस भारत की इम्पोर्टेंट भाषा को सीखें और अपने लाइफ में आप यूज कीजिए, जरूर ही आपको वो हमेशा हेल्प करेगा. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.